स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटकोफॉल सी इंजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स, यूज एवं किस प्रकार से यूज करना है या आपको उसके बारे में। उससे पहले दोस्तों दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटे वाले भी बटन को दबा दें जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों विटकोफॉल्सी इंजेक्शन जिसे FDC लिमिटेड कंपनी बनाती है, जिसकी वन कंबाइन एम्पुल की प्राइस 19 रुपये होते हैं, जिसे आप आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप से या मेडिकल स्टोर से इस इंजेक्शन को खरीद सकते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन में उपस्थित कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट में विटामिन सी 150 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, तथा सेकेंड पार्ट में विटामिन B12 2500 mcg, फोलिक एसिड 0.7 mcg तथा नियासिनामाइड 12 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों ये एक विटामिन या ताकत का इंजेक्शन होता है, जिसे आप शरीर में आई कमजोरी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, खाना नहीं खिलाता, मांसपेशियों में जकड़न आ जाता है या कमजोरी के कारण हाथ पैर दर्द करने लगता है, उन सब कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग आप थकान, कमजोरी, सुस्तीपना, डिप्रेशन इत्यादि को दूर करने के लिए भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा जानते हैं कि डॉक्टर इस इंजेक्शन को किन किन कंडीशन में लगाते हैं, तो उसके बारे में। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग नसों में खून दौरा को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान, कमजोरी या नसों में झुनझुनाहट या नसों का तड़कना या कमर में पकड़ लेना या कमर का दर्द, इन सब दर्दों को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन को उपयोग में लेते हैं या पेशेंट को लगाते हैं। दोस्तों जो लोगों का घाव लंबे समय से भर नहीं पाता, उन लोगों के लिए इंजेक्शन बेस्ट होते हैं। इनमें विटामिन सी, विटामिन B12 होता है जो कि घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। उसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी ये इंजेक्शन बहुत ही बेस्ट होते हैं। दोस्तों जिन लोगों को बार बार चक्कर लगता है, चक्कर जैसा महसूस होता है, उन लोगों के लिए भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लेने से उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाते हैं। दोस्तों उसके अलावा जिन लोग बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं, तो उससे शरीर में विटामिन मिनरल शरीर में लग नहीं पाता, तो उस कंडीशन में शरीर को बाहर से विटामिन मिनरल टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में या फिर इंजेक्टर फॉर्म में लेना होता है, तो उसके लिए ये इंजेक्शन बेस्ट होते हैं। दोस्तों जिन लोगों को काम करने की इच्छा नहीं होता, दिन भर सुस्ती सा महसूस होता है, थकान कमजोरी लगता है, उन लोगों के लिए इस विटकोफॉल्सी इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो इस इंजेक्शन का उपयोग कमजोरी को दूर करने के लिए, शरीर में एनर्जी ताकत बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग अपने से न ले, यदि उपयोग कर रहे हो तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही डॉक्टर से लगवाएं, अन्यथा इस इंजेक्शन का उपयोग अपने से न ले। ये जानकारी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। दोस्तों डोज के बारे में बात करें तो इसे कॉमन डॉक्टर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट दिन लगाते हैं, अल्टरनेट 3 से 5 इंजेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों प्रिकॉशन या सावधानी के बारे में बात करें तो जो किडनी, लिवर, हार्ट, डायबिटीज के पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट तथा ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, उसे इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए या डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन को उपयोग में नहीं किया जाता। दोस्तों अब लास्ट में जानते हैं कि साइड इफेक्ट के बारे में, कि इस इंजेक्शन को लगाने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद यदि आपको कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे मतली, उल्टी, हेडेक, कब्ज, खुजली, लालचकत्ते, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं,
दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग अपने से न करें, यदि उपयोग कर रहे हो तो डॉक्टर से प्रिकॉशन लेकर ही, सलाह लेकर ही, डॉक्टर से ही इस इंजेक्शन को लगवाएं। तो यह था दोस्तों वीडियो फलसी इंजेक्शन की जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। सो धन्यवाद दोस्तों।